आतंकवादियों ने जो कल श्रीनगर में जो ग्रेनेड अटैक किया, यहाँ हमारे बाकर के बीपीएल परिवार से थे जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वहाँ जाके छोटा मोटा रोजगार कर रहे थे, तो कल आतंकवादियों ने वहाँ ग्रेनेड अटैक किया और जिसमें हमारे यहाँ बाकर के जो बीपीएल परिवार के रहने वाले थे वो शहीद हो गए। हम उनको कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं और अल्प प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद की जाए और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि जब भी कोई ऐसी वारदात आतंकवादी हमले में हमारा कोई शहीद हो जाता है तो हम चाहेंगे कि उस परिवार को कंपेंसेशन तो दी जाए, सरकार में नौकरी दी जाए ताकि वो अपने परिवार का जो पीछे परिवार छोड़ के गया होता है, नन्हे छोटे छोटे बच्चे, उनका वो पालन पोषण कर सके। और मैं यही कहूंगी कि क्या मांग करते हो आपके पति? पांच सात बच्चा ही है, पांच तीन मर गए, किन्हीं का पाल गया, सुने तू क्या मर गया, एक आठ बच्ची आई है, क्या बच्चा पांच सात की मैं आज ही आके मैंने यहाँ देखा है, मेरे तो पांव से जमीन निकल गई है कि जिस आतंकवादी ग्रोह ने इसकी हत्या की है इससे वो ज्यादा कायर कोई नहीं हो सकता। क्यों कि मजदूर का क्या मारना, उन्होंने मजदूर को मारा और उस मजदूर को मारा जिसकी चार बच्चे, पूरा परिवार उसके सहारे जी रहा है और वो बेचारा मजदूरी करने के लिए कब वहां गया था। मैं सुबह आया हूँ यहाँ, पुलिस डिपार्टमेंट एडीसी सुंदरबनी आए हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया। क्या मांग करते हैं इस परिवार के लिए? मैं ये मांग करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर की तर्क पर फौरन इनको जो है वो रिलीफ मुहैया करवाए और एक सदस्य को नौकरी दी जाए, नहीं तो ये एक नहीं मरा, आतंकवादियों ने एक नहीं मरा, छह आदमी उसके चार बच्चियां और एक बच्चा और एक उसकी बीवी भी भूख से मर जाएगी, इसलिए एक नौकरी दी जाए और कश्मीर की तरफ जर जो रिलीफ मिलती है वो फौरन अनाउंस की जाए ताकि उसकी लाश जो है धूप में खराब ना हो। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह बात भी कह देना चाहता हूँ, अगर इसकी लाश धूप में खराब हुई तो एसी के अंदर हम आपको नहीं बैठने देंगे। सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और परिवार को गुजर बसर करने के लिए कम से कम 25 लाख का जो पैकेज है इस परिवार को देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सुंदरबनी में जब हमारा रवि नाम का एक भाई किश्तवाड़ के अंदर दंगों में मारा गया था लेकिन आज तक उसको कंपनसेशन नहीं दी गई। हमने सुंदरबनी चौक को तो बंद किया था लेकिन प्रशासन के कहने पर हमने चौक खोला, उन्होंने बोला कि इसको कंपनसेशन दी जाएगी, परिवार के बंदे को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक उसको एक रुपये की जो है कंपनसेशन नहीं दी गई है। कैप्टन हेमराज, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि इनके घर में अभी ये तीसरी डेथ हुई है, बहुत ही गरीब आदमी है, जी बहुत ही गरीब आदमी है और बीपीएल ग्रेड के आदमी है, इनके बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं। इस गरीब आदमी की हत्या जो मजदूरी करने के लिए वहाँ श्रीनगर बारामूला दीवान बाग में गया, रात को कल शाम को मिलिटेंटू ने ग्रेनेड थ्रो किया जिससे इसकी हत्या हो गई और दो आदमी जख्मी हो गए। हम गांव वाले हम यही चाहते हैं कि इस गरीब आदमी को अब एडीसी साहब आए हुए हैं वो अनाउंस करें, डी साहब आए हुए हैं वो अनाउंस करें 25 लाख रुपया और एक आदमी की नौकरी दी जाए। ऐसे गरीब आदमी को अगर सरकार गवर्नमेंट नहीं देखती तो उसको देखना चाहिए, हम जो पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए एडी साहब आगे आए, रुको रुको, हाँ जी चलो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से 1 लाख रुपए इमीडिएट रिलीफ ये दे देंगे, 4 लाख या सरकारी नौकरी का, फिर एक डीएल एससीसी मीटिंग होती है उसमें डिसीजन होता है जी सर।
तो वो जो है या नौकरी या 4 लाख रुपया एक इनमें से चीज़ दी जाती है सर। ठीक है, मैं फैमिली की कंसेंट के साथ तो वो हो गया। उसके अलावा बिसाइड्स बिसाइड्स गवर्नमेंट भी कुछ तो मैंने ये बताया कि एक एसपीओ हम घर में से जो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है पूरी करता होगा वो एक हम लगा देंगे पुलिस की तरफ से। दैट विल बी बिसाइड्स पॉलिसी, यानी जो पॉलिसी के अलावा ये हम दे देंगे। केवल जी नहीं जा रहा सर।